नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु चैनल में। मैं हूं प्रगुल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग का 39th मैच जो खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच। अब दोस्तों इससे पहले हम घोषणा कर देते हैं हमारे IPL बोनेंजा के प्रीवियस विनर की। भाई राहुल ने जीत लिया है कैश प्राइज, यहां पर दिए थे सही जवाब, उनकी तरह आप भी जीत सकते हैं कैश प्राइज, बस देने हैं कुछ सवालों के सही जवाब। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये कॉन्टेस्ट है हमारी CLG फैमिली के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। भाई एक तरफ जहां दिनेश कार्तिक का बल्ला बोलता नजर आ सकता है तो वहीं एक बार फिर जॉस द बॉस का बल्ला हुंकार भरेगा। दोस्तों अब इन दोनों ही टीम्स में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जानते हैं और ऐसे में मोस्टली ये जो मैच है ये बॉलर्स के खेमे में ज्यादा नजर आ सकता है क्योंकि बेंगलुरु और राजस्थान दोनों ही टीम्स की गेंदबाजी काफी सॉर्टेड है। अब इस सीजन का पहला मुकाबला जब दोनों टीम्स ने खेला था 13th मैच में राजस्थान रॉयल्स को हराया था 4 विकेट से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। अब इस बार क्या राजस्थान लेगी अपना बदला, क्योंकि भाई ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो यहां पर 26 मैचेस खेले जा चुके हैं जहां 13 मैचेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नाम रहे हैं और 10 मैचेस राजस्थान रॉयल्स ने जीते हैं। और बड़ी बात यह है दोस्तों कि लास्ट 5 मैचेस RCB ने अपने शिकंजे में किए हैं और ऐसे में क्या राजस्थान रॉयल्स फाइनली अपनी जीत का सूखा खत्म करने में सक्सेसफुल रहेगी। भाई जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों शुरुआत करते हैं पिच रिपोर्ट के साथ। भाई महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पुणे में ये मैच होने वाला है। 6 मैचेस ऑलरेडी यहां पर खेले जा चुके हैं, 3 मैचेस फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं तो वहीं 3 मैचेस सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम के नाम रहे हैं। बट एक बार फिर कैप्टन्स टॉस जीतकर बॉलिंग करना पसंद कर सकते हैं। दोस्तों हाईएस्ट स्कोर की बात करी जाए तो वो है चेन्नई सुपर किंग्स का 211 रन और लोएस्ट स्कोर है पंजाब किंग्स का 73 रन। बॉलर्स के परफॉर्मेंस की बात करी जाए दोस्तों तो यहां पर 66 विकेट अभी तक चटकाए जा चुके हैं लास्ट 6 मैचेस में। अब इसी के साथ अगर टीम्स की परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो RCB और राजस्थान दोनों ने ही यहां पर एक एक मैच खेला हुआ है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को यहां पर हराया था 7 विकेट से, उस मैच में 5 विकेट लिए थे RCB ने। 210 का हाईएस्ट स्कोर रहा था इनका। सक्सेसफुल गेंदबाज थे हर्षल पटेल विद 2 विकेट्स और सक्सेसफुल बल्लेबाज थे अनुज रावत विद 66 रन। वहीं राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो इन्होंने एक मैच खेला था, जीत दर्ज करी थी सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट by 61 runs और परफॉर्मेंस के लिहाज से 7 विकेट इन्होंने यहां पर हैदराबाद के चटकाए थे। मैक्सिमम रन था इनका 210। सक्सेसफुल गेंदबाज रहे थे युजवेंद्र चहल विद 3 विकेट्स और सक्सेसफुल बल्लेबाज थे संजू सैमसन विद 55 रन। अब दोस्तों इस पूरे समीकरण के बाद IPL बोनांजा का हमारा पहला सवाल यहां पर यह आता है कि आखिर इन दोनों ही टीम्स में से इस बार सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला कौन सा गेंदबाज होगा। जवाब जरूर दीजिएगा लेकिन दूसरे सवाल के बाद। चलिए बढ़ते हैं टीम्स की ओर और नजर डालते हैं सबसे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर। अब दोस्तों अगर हम इनकी प्लेइंग 11 पर गौर करें तो दोस्तों फाफ डुप्लेसी, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, शहबाज अहमद, दिनेश कार्तिक जैसे अच्छे बल्लेबाज मौजूद हैं यहां पर। भैया यहां पर कोहली का बल्ला तो अभी तक चलता नजर नहीं आया है जो कि एक बड़ी समस्या खड़ी कर रहा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए। अनुज रावत ऑन दी अदर हैंड डिसेंट बल्लेबाजी करते दिखाई दिए हैं बट स्टिल उन्हें एक अंडरडॉग कंसिडर किया जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें तो मिडिल ऑर्डर में डेफिनेटली दिनेश कार्तिक और शहबाज अहमद अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और यही रीजन है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अभी तक मैचेस जीत पाई है। अब दोस्तों बॉलर्स की बात करी जाए तो यहां पर वनिंडू हसरंगा, हर्षल पटेल और जॉश हेजलवुड ये 3 ऐसे ध्रुव के हैं जो कि राजस्थान की रॉयल सेना को ध्वस्त कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर मोहम्मद सिराज ने भी 1-2 मैचेस में अच्छी गेंदबाजी करी है। की प्लेयर्स की बात करी जाए तो वंस अगेन फाफ डुप्लेसी ने 8 मैचेस में 255 रन बनाए हैं और इन्हें सपोर्ट मिलता है मिडिल ऑर्डर में शहबाज अहमद का जिन्होंने 8 मैचेस में 178 रन बनाए हैं। दिनेश कार्तिक ऑन दी अदर हैंड 8 मैचेस में 210 रन बना चुके हैं और ये जो 3 बल्लेबाज हैं एक बार फिर राजस्थान के खिलाफ रन स्कोर करते नजर आ सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर बॉलर्स की बात करें तो वनिंडू हसरंगा के हाथ लगे हैं 11 विकेट 8 मैचेस में और हर्षल पटेल ने चटकाए हैं 9 विकेट 7 मैचेस में। इनके अलावा जॉश हेजलवुड दोस्तों ताजी गेंदबाजी करते दिखाई दिए हैं, 4 मैचेस में इन्होंने शिरकत करते हुए 8 विकेट चटका दिए हैं। तो दोस्तों ये हैं वो 6 खिलाड़ी जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू राजस्थान रॉयल्स। अब दोस्तों भैया ये जो रॉयल सेना है यहां पर इनके टॉप ऑर्डर में जॉस बटलर उमदा बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोस्तों बैक टू बैक सेंचुरीज मारना कोई बटलर से ही सीखे और बटलर का बल्ला चल रहा है तो यानी कि राजस्थान
राजस्थान रॉयल्स काफी सुरक्षित हाथों में नजर आती है। देवदत्त पाटिकल ने भी लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्म किया है दोस्तों, एंड संजू सैमसन ऑल्सो परफॉर्म्ड वेल। तो ये टॉप के तीन ऐसे बल्लेबाज हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है। एंड वंस अगेन भाई शिमरन हिटमायर एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि भाई मुसीबत के समय में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों राजस्थान की टीम में ये चार बल्लेबाज आपकी नजरों में रहने चाहिए। वहीं अगर बात करें बॉलर्स की तो भाई यहां पर ट्रेंट बोल्ट, रविचंद्रन अश्विन, प्रसिद्ध कृष्णा, ओबिड मेकॉय और युजवेंद्र चहल, ये वो पांच गेंदबाज हैं जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ईंट से ईंट बचा सकते हैं। दोस्तों वंस अगेन युजवेंद्र चहल के सामने होगी अपनी पुरानी टीम और देखना होगा दिलचस्प कि क्या यूजी इस बार मचाएंगे तहलका अगेंस्ट आरसीबी। क्योंकि दोस्तों अगर स्टैट्स की बात करी जाए यहां पर तो युजवेंद्र चहल ने 7 मैचेस में 18 विकेट चटका दिए गए हैं और इन्हें अच्छा सपोर्ट मिलता है प्रसिद्ध कृष्णा का जो कि 7 मैचेस में 8 विकेट ले चुके हैं। ट्रेंट बोल्ट ने भी 5 मैचेस में 7 विकेट अपने नाम किए हैं। तो दोस्तों ये तीन ऐसे गेंदबाज हैं जो कि अच्छा परफॉर्म करते दिखे हैं, बैक टू बैक विकेट निकाल रहे हैं। वहीं अगर बल्लेबाजों की बात करें तो भाई जॉस द बॉस 7 मैचेस में 491 रन बना चुके हैं और इन्हें सपोर्ट मिलता है संजू सैमसन का जिन्होंने आधे से भी कम रन बनाए हैं, 7 मैचेस में 201 रन बना चुके हैं। शिमरन हिटमायर ने 6 मैचेस में 223 रन बनाए हैं। भाई ये हैं वो 6 बल्लेबाज गेंदबाज जो कि इस मैच में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों आपके लिहाज से इन प्लेयर्स के अलावा और कौन सा ऐसा बल्लेबाज या गेंदबाज होगा जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अब जहां तक बात है दोस्तों फाइनल कंक्लूजन की, तो यहां पर राजस्थान रॉयल्स अपनी हारने की स्ट्रीक को खत्म करते हुए आरसीबी पर जीत दर्ज करती नजर आ सकती है। और दोस्तों इसी के साथ अब हम पूछते हैं आईपीएल बोनांजा का हमारा दूसरा सवाल कि भाई इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में किस बल्लेबाज के सबसे ज्यादा ड्रीम 11 पॉइंट्स होने वाले हैं। जवाब दोनों सवालों के एक साथ दीजिएगा, एडिट करना अवॉइड करिएगा और अगर ये दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करते जाइएगा। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।